सो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे एक कैट फ्लाइंग कॉइन गेम, जिसके अंदर एक कैट है और जो कि फ्लाई करेगी, फ्लाई नहीं करेगी एक्चुअली, मैं अप एंड डाउन करेगी और वो कॉइन्स को कैच करेगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये कैट है, ये ऊपर नीचे होगी और ये जो है कॉइन को कैच करेगी। तो अभी हम ये गेम बनाना सीखेंगे। इस गेम का मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। इसके अंदर एक ये हमारी कैट फ्लाइंग स्प्राइट या करेक्टर होगा, जो कि जिसमें हम कोडिंग करेंगे अप एंड डाउन। ये कोड आप देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है या ब्लॉक से बनाया हुआ है। और ये एक ट्री है जो ये आपको जो मूव करेगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ भाई, कैट जो है मूव कर रही है। इसमें भी थोड़ी सी कोडिंग है। उसके बाद ये क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स भी मूव करते हैं। देखो, ये क्लाउड मूव कर रहे हैं, इसकी भी कोई ज़्यादा बड़ी कोडिंग है नहीं, काफ़ी छोटी सी कोडिंग है। उसके बाद है ये हमारे कॉइन्स, जो कि चेंज हो रहे हैं। मैं इसके कॉस्ट्यूम दिखा देता हूँ, 1 2 3 4, चार तरीके के कॉइन्स हैं। ये GIF फाइल है जो मैंने डाउनलोड की है, और इसके अंदर कोडिंग है, इसके अंदर भी कोई ज़्यादा कोडिंग नहीं है। ये भी आप इसका देख सकते हैं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप ये गेम बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इसको, गेम को बनाना। तो सबसे पहले तो इसमें हम एक नॉर्मल कैट ना लेके फ्लाइंग वाली जो कैट का करेक्टर है उसको लेंगे। वो देखो कहाँ पर है, एक कैट ये है हमारी। एनिमल्स में चले जाते हैं हम, ये रही कैट। तो इसमें हमें ये कैट मिल गई है, इस कैट को आप दाएं बाएं कहीं भी कर दो। तो इसको सबसे पहले जो कोड करेंगे ऊपर नीचे, कि ऊपर नीचे हमें ये मूव करवानी है। तो इवेंट में जाके हम ये ले लेंगे, वैन फ्लैग क्लिक, और इसमें कंट्रोल में जाएंगे, और उसके बाद हम लेंगे आपका इफ ब्लॉक, और इसमें मूव करवाएंगे हम इफ कहा गया कि यस। इसमें हम अप वाला ले लेते हैं, अप एरो इसके लिए। तो सबसे पहले तो इसका कॉस्ट्यूम थोड़ा सा चेंज हो जाए, यहाँ से आप इसका स्विच कर दो, और इसकी पोजीशन जो है चेंज वाई, वाई में चेंज करो, ये वाले ऊपर नीचे होगी। तो जब भी हम वो करेंगे तो हमें प्लस वाई होना चाहिए। तो मोशन में जाएंगे आप, और चेंज वाई वाई 10 10 ना करके आप इसको 5 कर दो। अब एक बार देख लेते हैं हम इसको, ये देखो ऊपर जा रही है लेकिन अभी नीचे नहीं जाएगी। उसके लिए, नीचे के लिए इसको आप एक बार डुप्लीकेट ले लो और इसको यहाँ पे दोबारा से चिपका दो। आपकी जगह इसमें इस बार करो डाउन, और फ्लाइंग कैट बी की जगह इसमें ए कर दो, और ये कर दो आप इसको -5। अब एक बार देखते हैं इसको, ये देखो ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है। तो हमारा एक ब्लॉक जो है ये हो गया प्रोग्राम। सेकंड, अब हम एक यहाँ ट्री बनाएंगे, या फिर ट्री ना भी बनाओ आप, अगर हम गेम को सिंपल रखना चाहते हैं, ज़्यादा कोडिंग नहीं करना चाहते, लेकिन हम बना देते हैं। आप एक करेक्टर लो यहाँ पे और सर्च करो ट्री, ये ट्री है, ये ट्री ले लिया मैंने। ट्री से पहले आपको एक बैकग्राउंड लेना पड़ेगा, बैकड्रॉप बोलते हैं यहाँ पे। ये आ गया, अब ऐसा लग रहा है ये ट्री यहीं पर है। तो इस ट्री का साइज़ हम थोड़ा सा
छोटा कर देते हैं अब, ठीक है। नहीं, और थोड़ा सा बड़ा, 75। अब ये ट्री एकदम से सही आ गया है। अब इसकी हम करते हैं कोडिंग। इसकी स्टार्टिंग पोजीशन देख लो आप, क्या है, 163 माइनस 93। तो जब भी ये क्लिक करे, ये सबसे पहले तो यहाँ पर चला जाए अपनी इनिशियल पोजीशन पे। उसके लिए आप यहाँ से उठा लो इसको, गुड टू होगा यहाँ पे, गो टू एक्स एंड वाई, ये देखो। और इसके बाद हम एक फॉरएवर लूप लगाएंगे इसमें, जिससे पोजीशन इसकी चेंज होती रहे, ऐसा महसूस हो कि ये चल रहा है, मूव कर रहा है। चेंज एक्स -5 कर देते हैं एक बार। और उसके बाद हमें एक इफ ब्लॉक लगाना पड़ेगा कि जैसे ही ट्री यहाँ पे पहुँचेगा एंड में, तो ये वापस यहीं पे आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पहुँचा तो फिर इसकी पोजीशन यहाँ पर होगी सीधा सा। तो उसके लिए हमें कोडिंग एक करनी होगी, एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा। वो हम लगाएंगे इफ, और इसमें हम चेंज देखेंगे, चेक करेंगे एक्स की पोजीशन। उससे पहले ऑपरेटर में जाके आप ये उठा लो, और ये नहीं, ये उठा, और यहाँ पर हम एक्स की पोजीशन के साथ इसको चेक करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे पहुँचेगा एंड में, लेफ्ट में, तो दोबारा से ये चला जाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे। तो उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से दोबारा से। हो गया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 163 और -93। ये हो गया, अब एक बार क्लिक करके देखते हैं। देखो, अब ऐसा लग रहा है कि मूव हो रहा है, और हमारा ये भी ऊपर नीचे हो रही है मूव। अब नेक्स्ट हमें बनाना है कॉइन्स। नेक्स्ट हमें चाहिए कॉइन्स, तो कॉइन्स हम लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये हमारा कॉइन आ गया है। अब हम इस कॉइन की प्रोग्रामिंग करेंगे। इसका पहले, सबसे पहले हम साइज छोटा कर देते हैं, और भी थोड़ा छोटा ले लेते हैं इसको। मैं कर देता हूँ 25, इतना काफ़ी है। और ये तो हमारी मूवमेंट हो रही है इसमें, तो एक इवेंट में जाके हम लेते हैं ये, और उसके बाद हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। एक्स की पोजीशन चेंज करनी है, क्योंकि ये भी जैसे हमारा ट्री मूव कर रहा है वैसे ही मूव करेगा। तो इसको आप ले लो चेंज एक्स वाई -5। और इसमें भी एक इफ की पोजीशन लगेगी, और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसको, डुप्लीकेट करो इसको, और इसको यहाँ रख दो। वो कोड कॉपी नहीं हुआ शायद, मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, या कोई नहीं, इसको हम दोबारा से राइट ही कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
ये हमारी मूवमेंट हो गई और इसके बाद हम एक लगाएंगे इफ, इफ के बाद हमारा जाएगा -240 और ये भी हमें एक्स ही पोजीशन के साथ ही देखना है, तो एक्स ही पोजीशन यहाँ से उठा लो आप। और जाएगा कौन सी है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इसकी पोजीशन अभी आप देख लो, कर लो इसको यहाँ पे कर लेते हैं इसको हम। और अभी इसकी पोजीशन आ गई है, गो टू यहाँ पे चला गया ये। अब एक बार इसको स्टॉप करके रन करते हैं, देखो अब सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमें कोलिजन डिटेक्ट करना है, कोलिजन डिटेक्ट कर लेते हैं। और या फिर यहाँ पर हम इसकी रैंडम पोजीशन दे देंगे, ये ऊपर नीचे से कहीं भी ये आएगा। तो रैंडम पोजीशन देने के लिए भी हम करेंगे अभी एक रैंडम वाला ब्लॉक है इसके अंदर, रैंडम पिक रैंडम, यस। एक्स की पोजीशन ले लो आप -240 से, वाई की पोजीशन लेनी पड़ेगी हमें -180 टू 180। अब एक बार क्लिक करके देखो, ये अभी सही नहीं हुआ है। एक्चुअली ब्लॉक हमें लेना था यहाँ पे, एक्स की पोजीशन तो हमारी सेम ही रहेगी। दोबारा रन करते हैं, अब देखो अभी चेंज हो गई, इसकी पोजीशन आ रही है। अब हम इसका कोलिजन डिटेक्ट करना है, यानी कि जब भी कैट जो है कॉइन को हिट करेगी तो ये गायब हो जाएगा, या फिर हमारा जो स्कोर है स्कोर बढ़ जाएगा। तो फिर एक काम करते हैं हम, एक हमें वेरिएबल लेना होगा अगर हमें स्कोर भी दिखाना है। तो मेक के वेरिएबल एंड स्कोर ये हो गया। तो फिर अब हम लेते हैं एक और फ्लैग एंड और वेरिएबल का सेट स्कोर, इसमें वेरिएबल हमारा ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, ये 0 से स्टार्ट होगा। और एक फॉरेवर लूप में जाएंगे और इसमें हम डिटेक्ट करेंगे कोलिजन, जब डिटेक्ट करेगा तो हमारा स्कोर बढ़ेगा। तो उसके बाद एक इफ लगाना पड़ेगा हमें, इफ में जाओ आप, और क्योंकि सेंसिंग है टच करेगा वो उसको तभी, तो ये सेंसिंग ब्लॉक में जाके आप यहाँ चले जाओ और यहाँ से ले लो कैट फ्लाइंग, यस कैट फ्लाइंग। और उसके बाद जैसे ही टच करेगा तो कॉइन हमारा स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे जाएगा, या फिर रैंडम पोजीशन पे जाएगा। इसको आप डुप्लीकेट कर दो, यहाँ से डुप्लीकेट, ये हमारा यहाँ चला जाएगा और जो हमारा स्कोर है वो चेंज हो जाएगा बाय वन। तो अब एक बार इसको प्ले करके देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा हमारा गेम। ये देखो अभी क्या है, हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो स्कोर इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि सेट स्कोर टू वो है 0, तो यहाँ पर आप डाउनलोड स्कोर सेट स्कोर टू 0 एंड चेंज माई वेरिएबल की जगह स्कोर करो आप, तब चेंज होगा। इसकी जगह आप साउंड भी लगा सकते हो कोई भी, जिससे कि आवाज़ आएगी जब भी इसको टच करेगा ये। अभी हम एक बार गेम को प्ले करके देखते हैं, गेम हमारा बन चुका है। देखो 1 2 3, ये देखो 4, ये स्कोर बढ़ता जा रहा है। मैं बड़ी स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको,
तो ये एक बहुत ही सिंपल और छोटा गेम है जिससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे।